जितने भी सारे भाई लोग को गुड़गांव लोकेशन में काम करना है, और गुड़गांव में बहुत सारे लोग ये डिमांडिंग कर रहे थे कि सर गुड़गांव लोकेशन में आप जॉब्स का वैकेंसी लाते हैं, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट में जॉब्स लाइए जिसमें हमें पर्सनली ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, कंपनी में जाने तक कोई प्रॉब्लम ना हो, हम लोग इमीडिएटली जा करके कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी प्रक्रियाएँ बिल्कुल फ्री हो। जैसा कि आपने बताया कि हाँ आपके चैनल पर जितने भी जॉब्स आते वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते, आपने बिल्कुल सही चैनल पर आप विजिट किए। देन एवरीबडी लाइक जरूर कीजिएगा, गुड़गांव में जॉब्स चाहिए तो। और अभी ओपन पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट है, जितने भी सारे लोग आने वाले हैं डायरेक्ट होली बाद आप लोग कंपनी में कभी भी आ सकते हो। ये नहीं कि होली के बाद आपको 27 मार्च को आना है, 28 मार्च को आना है, 29 मार्च को आना है, 30 को आना है, कभी भी आप लोग डायरेक्ट विजिट कर सकते हो एंड आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा एंड ज्वाइनिंग प्रोसीजर सब कुछ बताया जाएगा। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ फाइंड जॉब्स वैकेंसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन करता है आपका, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूले। देखिए मैंने पहले भी बोला था कि गुड़गांव में जॉब्स तो है बट उसका अपडेट इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि रियली हमारे पास में समय की बहुत ज्यादा कमी है। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोजेक्ट बेसिस काम करते हैं, देन प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। आई थिंक प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होता है कि हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इतने सारे प्रोजेक्ट है, ब्लिंकिट कंपनी है, पीजी है, फिर यहाँ पे ग्लोबल सॉल्यूशंस है, होंडा कंपनी है, ये सारी कंपनी को एक्चुअली में मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, तो ये सारी कंपनी के बारे में हमें देखना होता है। सो यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट है ग्लोबल नाज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा के लिए, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए। हो सकता है ये वीडियो का लेंथ 8 मिनट से ऊपर जाए, बिकॉज आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपको मैं नहीं चाहता कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो इस जॉब के रिगार्डिंग। आपको जॉब्स मिलना चाहिए, इजी वे में बोलता हूं कि जॉब्स 100% मिलना चाहिए, मेक श्योर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो यहां पे देखिए जो जॉब्स है ग्लोबल नाज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा के लिए होने वाला है। लोकेशन है सेक्टर 2 आम्रपाली बिल्डिंग IMT मानेसर गुड़गांव। ये जो ऑफिस का लोकेशन है नॉट फॉर जॉब लोकेशन, तो ऑफिस का लोकेशन है सेक्टर 2 आम्रपाली बिल्डिंग IMT मानेसर गुड़गांव। लेकिन ऐसे ही आपको ऑफिस में नहीं विजिट करना है, नहीं तो ये ऑफिस में आपको बता दूं ऑफिस के आसपास में ऐसे लोग भी रहते हैं जो आपको घींच के ले जाएंगे, वो अपने प्लेसमेंट एजेंसी में बैठा लेंगे और आपसे पैसे चार्ज करेंगे 1000-2000। बट अभी कम्युनिकेट आपका होना बहुत आवश्यक है, जब तक आप कम्युनिकेट करके घर से नहीं निकलोगे ना तो आपका भी उठने वाला है, ये बात सोच लीजिएगा। एंड जो चीज़ें बताता हूँ उस चीज़ों पे फोकस करके जाइए। नेक्स्टली बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नियर बाई लोकेशन है, सैलरी भी 20,000 आपने बताया। भैया 20,000 बताया लेकिन किस क्वालिफिकेशन के लिए बताया, कितना घंटा का ड्यूटी रहेगा, कितना ड्यूटी रहेगा, ये तो समझने की कोशिश आपने नहीं किया। तो समझने की कोशिश कीजिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अच्छे से लीजिए एंड नेक्स्ट प्रोसीजर को बाद में आप लोग फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए ये लोकेशन जान गए, ऑफिस का लोकेशन गूगल मैप भी हम डिस्क्रिप्शन में वैसे डाल देंगे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन है ग्लोबल नॉज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है पता है, 45 इयर्स कैंडिडेट कैन डू इट, यार कि 45 साल तक का कैंडिडेट इसमें काम करेगा, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज रहेगा कि 45 साल तक का कैंडिडेट अपने नियर बाई लोकेशंस में काम कर पाएगा। दैट मीन ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है कि 45 साल तक का कैंडिडेट अपने नियर बाई लोकेशंस में काम कर पाएगा। सो जॉब का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ऑन जॉब ट्रेनी है, प्रोफाइल है क्वालिटी इंस्पेक्टर और चेकर। ध्यान दीजिएगा काम क्वालिटी इंस्पेक्टर का है, उससे क्या हुआ, लेकिन खड़े होकर के स्टैंड अप वर्क होना पड़ेगा, होना है और होना है, स्टैंड अप वर्क है, खड़े रह के काम करना, ऐसा नहीं कि बैठ गए सो गए काम चल रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका काम है स्टैंड अप, तो स्टैंड अप मैंने आपके साथ में शेयर किया है। क्वालिफिकेशंस में है 10th 12th ग्रेजुएशंस ITI डिप्लोमा, मतलब इस कंपनी में 10वीं पास भी चलेंगे, 12वीं पास भी चलेंगे, ग्रेजुएशंस भी चलेंगे, ITI भी चलेंगे, डिप्लोमा भी चलेंगे, ओके। सो यहाँ पे वर्क लोकेशन है गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, बावल, ये 4 लोकेशंस में, सबका अलग अलग डिफरेंस लोकेशन में जॉब रहेगा। एक लोकेशन पे कम से कम 10 लोगों को लिया जाएगा, 4 लोकेशंस में 40 लोगों को लिया जाएगा, लेकिन लोकेशन वाइज अलग अलग डिपेंड रहेगा कैंडिडेट। मान लिया कि अगर 3 लोग एक दफ़ा कंपनी में पहुंचता है तो 3 लोगों को एक जगह पे नौकरी नहीं दिया जाएगा, अगर एक विलेज का है तो एक गांव का है तो 3 लोगों को 3 लोकेशन में नौकरी दिया जाएगा। इसका प्रॉपर रीज़न ये है कि अगर एक को मान लिया काम थोड़ा हार्ड लग रहा है तो वो 2 लोगों को भगाता है,
समझ रहे हैं। अगर बाकी को दो ईजी भी लग रहा है, दो काम किया पहले उसको ईजी भी लग रहा है, तो वो एक लोग जो है ना भड़का भड़का के वो दोनों को ले जाता है, ये बात है। तो काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, यहाँ पर टाइम पास नहीं चाहिए। ये सेटअप माइंड में आपके होना चाहिए कि हम काम करने जा रहे हैं, पर्सनली हम काम करने जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए स्टाइपेंड का फुल स्ट्रक्चर्स दूंगा, सैलरी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे सैलरी जो है 10th 12th का है, 17,000 रुपये इन हैंड है फॉर 12 घंटे ड्यूटी का और 30 दिन काम का। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सैलरी सर बहुत कम है, 12 घंटे का और 30 दिन का, 17,000 रुपये इन हैंड बोल रहे हैं, 30 दिन काम करना है। तो देखो ये सैलरी का स्ट्रक्चर हम लोग डिसाइड नहीं करते, ये जो कंपनी है कंपनी डिसाइड करती है। और सेकेंड पार्टी पेरोल है, तो जानते हो कि पैसा इधर उधर थोड़ा बहुत, मतलब समझ रहे हो कि कमीशन बेसिस पे काम होता है, तो वो कितना होता है आई डोंट नो, बट हमें जो भेजा गया है प्रोफाइल बस उस पर हम आपके साथ में बात कर रहे हैं। तो जो भी लोग जाना चाहते हैं गुड़गांव लोकेशन में, 17,000 रुपये इन हैंड मिलेगा पीएफ ईएसआईसी काट करके 12 घंटे और 30 दिन का। और आईटीआई जो है उसका 19,000 रुपये इन हैंड मिलेगा 12 घंटे 30 दिन का, ठीक है, ओवर टाइम 63 रुपये प्रति घंटा दोनों का है। डिप्लोमा और ग्रेजुएशन का जो है यहाँ पे 19,500 रुपये इन हैंड है फॉर 12 घंटे 30 दिन का। यहाँ पे ग्रेजुएशन में कुछ लिमिटेशन क्राइटेरिया है वो बाद में बताया जाएगा, बट डिप्लोमा का 19,500 रुपये है इन हैंड 12 घंटे 30 दिन का। ओके, सो यहाँ पे बीटेक होल्डर का है 20,000 रुपये इन हैंड 12 घंटे 30 दिन का, ओवर टाइम डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन को मिलेगा 65 रुपये एंड बीटेक को 70 रुपये प्रति घंटा। एंड देखो ये पीएफ ईएसआईसी बोनस ये सब मिलेगा कंपनी में, पीएफ ईएसआईसी काटने के बाद में जो सैलरी का स्ट्रक्चर था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। एंड अटेंडेंस अवार्ड 1000 रुपीज़ है, पता नहीं ये सैलरी के साथ इंक्लूड है या फिर ये सैलरी के बाद है, तो ये चीज़ें मेरे को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 100 वैकेंसी है, यानी कि 100 लोगों को कंपनी में ज़रूरत है, तो 100 लोगों का रिक्रूटमेंट होने वाला है। जेंडर में है मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, तो यहाँ पे सिर्फ लड़के चलेंगे, लड़कियाँ इसमें एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट चलेंगे। 100 मेल कैंडिडेट की हायरिंग होने वाली, यानी कि 100 मेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड इन दिस कंपनी। ओके, एज लिमिटेशन मिनिमम 18 मैक्सिमम 45 ईयर्स, बिलो 18 कैंडिडेट नॉट एलिजिबल एंड अबोव 45 ईयर्स कैंडिडेट नॉट एलिजिबल। सो गाइस एज क्राइटेरिया इज मोस्ट इंपोर्टेंट नीडेड इन दिस कंपनी। एंड शिफ्ट जो है 8 घंटे का जनरल शिफ्ट है, ओवर टाइम 4 घंटे कॉम्पल्सरी चलते हैं, कैंटीन में है सब्सिडाइज्ड एज पर कंपनी पॉलिसी है। यहाँ पे कैंटीन एक टाइम मिलता है लेकिन सब्सिडाइज्ड है, वो कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे अकोमोडेशन नॉट फ्रॉम कंपनी साइड, वी सपोर्ट इन सर्चिंग रूम प्रोडक्शन पार्ट ऑफ होंडा और निशान फॉर्ड यही सब। अब देखो यहाँ पर रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, तो ये है आनंद विहार, न्यू ओल्ड दिल्ली या फिर ओल्ड दिल्ली, नया दिल्ली या ओल्ड दिल्ली, ये दिल्ली में आपका मतलब ये स्टेशन है जहाँ पे आपको जाना है। एंड मेक श्योर बहुत सारे लोग बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते और वो गुड़गांव में सोचते कि मेरा नियर बाई है, एक दिन का रास्ता है, मैं गुड़गांव में जाके काम करूँ कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गुड़गांव में काम करने के लिए सिंपली रूम देखना होगा आपको, तो रूम के लिए सपोर्ट किया जाएगा। अगर 5 लोग एक साथ में जाओगे तो 5 लोग का क्या है रूम मिल जाता है, शेयरिंग बेसिस में मिलता है, जिसमें 1,000 रुपये कॉस्टिंग आते हैं और 3 से 4,000 रुपये में, 3,000 से 4,000 रुपये में आपको पीजी मिलता है जिसमें रहना और 3 टाइम का खाना मिलता है। 3,000 रुपये मिनिमम अमाउंट है और 4,000 मैक्सिमम है जिसमें रहना खाना पानी वॉशरूम एंड एवरीथिंग। पीजी में आपको वाईफाई भी मिलता है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। एंड इनफैक्ट जो भी लोग एक्साइटेड है डायरेक्टली व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप लोग डायरेक्ट जुड़ जाए व्हाट्सअप ग्रुप में, जुड़ जाए एंड पर्सनली व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाए, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एंड वेल आफ्टर देन प्रोसीजर होगा उसका जो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आप लोग समझ गए होंगे, डायरेक्टली इसका ज्वाइनिंग प्रोसीजर है, होली बाद आप लोग आ जाओ कंपनी में, ज्वाइनिंग हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।